वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आज हम जिन दो टॉपिक्स पे बात करने वाले उस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर राफिया रफीक, जो आज बात करेंगे ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर साहिमा इरम, जो कि एक राइटर भी हैं और आजकल उर्दू के हवाले से भी बहुत काम करी। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो डॉक्टर राफिया, आपकी जानब आएंगे, क्योंकि हम बात करते हैं ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे लोगों को खुद से मेडिकेशन की, सेल्फ मेडिकेशन की आदत होती है और फिर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज भी करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इशूज। सबसे पहले अरमला देखें कि एक तो होता है ना यूज, वो तो एडहरेंस टू ट्रीटमेंट है। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपने दो मेडिसिन लेनी है, एक सुबह एक शाम, तो दैट वुड बी अ सिंपल यूजेज ऑफ अ मेडिसिन। फिर उसके बाद अब्यूज़ आ जाता है कि आप अपनी मर्जी से ज़्यादा ले रहे हैं और टाइमिंग्स चेंज कर रहे हैं और उसके जो है इल इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक होता है एडिक्शन का लेवल, जिसके अंदर आप जब वो इल इफ़ेक्ट्स आते हैं आप उसको ओवरकम कर नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो हम आज जो बात कर रहे हैं दैट इज़ ओवर यूजेज ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स में हम लोग जो है वो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, दैट इज लीगल मेडिसिन जो हमारी हैं। अब उसमें क्या फैक्टर्स प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपकी जो इलनेस परसेप्शन है कि आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या परसीव कर रहे हैं। अगर आप, कई लोग जो होते हैं वो अपनी बीमारी की सिवियरिटी को बहुत ज्यादा परसीव कर रहे होते हैं और उस हिसाब से वो समझते हैं कि अगर हम मेडिसिन लेंगे और ज्यादा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो हमारी अवेयरनेस नहीं है टूवर्ड्स हेल्थ फैक्टर्स और हेल्थ बिलीव्स हमारी बहुत ही डिफरेंट है। अब हमारी हेल्थ बिलीव्स क्या है हमारे माशरे में देखें, यहाँ तो लोग कहते हैं कि जी दवाइयाँ ले ही ना, ठीक है आप दम दारू इस तरह की चीज़ें कर लें आप, और दूसरी बात है अगर आप लेते हैं तो वो एक एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा ले रहा है मेडिसिन। अब वो क्या है कि हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की तरफ, डॉक्टर्स की पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन नहीं है, कई दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं वो कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करते, प्रॉपर टाइम नहीं देते कि वो एक पेशेंट को समझाएं कि ये किस तरीके से कब कितनी डोज खानी है। अब वो जो है वो अपना दूसरों से पूछ के जब आप मेडिसिन खाते हैं, दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन यूज कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो अब्यूज ऑफ मेडिसिन, तो आप वो उसमें ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और हमारे पास स्पेसिफिकली यहाँ तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर देखा गया है कि बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ मेडिसिन है। उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी बीमारी ठीक तब होगी जब हम बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाएंगे, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा जो है वो अब्यूज़ करेंगे या यूज़ करेंगे मेडिसिन। तो देखने में आया कि जो न्यूरोटिक लोग होते हैं जिनमें एंजाइटी के ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं वो लोग ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं, ओवरडोज करते हैं मेडिसिन का। तो इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी ओरिएंटेशन टूवर्ड्स लाइफ कैसी, अगर आप पेसिमिस्टिक हैं और या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं तो आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है मेडिसिन को यूज करने की। फिर आपके अपने हेल्थ परसेप्शंस पे डिपेंड करेगा, पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा, तो मल्टीपल वेरिड फैक्टर्स हैं जो सोशो कल्चरल जो एक हमारा सिनेरियो है उसके अंदर रहते हुए लोगों की टेंडेंसी बढ़ जाती है मेडिसिन को यूज करने की। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, हमारे साथ डॉक्टर इरम भी मौजूद हैं, वेलकम टू शो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर इरम, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुक्स के हवाले से, क्योंकि आज हमारा ये रीडिंग कल्चर जो है इस पर हम बात करेंगे। किताबें बेहतरीन दोस्त कहा जाते हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि आजकल हमारे जनरेशन में बुक रीडिंग की हैबिट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या वजह आप समझते हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी इस बात से कि रीडिंग एक अलग चीज़ है और बुक रीडिंग एक अलग चीज़ है। तो ये तो कहा जा सकता है बिल्कुल ठीक कि बुक रीडिंग की आदत कम होती जा रही है, लेकिन रीडिंग की आदत बहरहाल मौजूद है। किसी ने कहा था ना कि मैं बहुत पढ़ता और लिखता हूँ, उसने पूछा क्या लिखते हैं और पढ़ते हैं, उसने कहा सारी रात टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट पढ़ता हूँ। तो ये तो खैर एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि आप ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, इस पे बहुत अच्छा आर्टिकल पिछले दिनों वो सतुल्ला खान साहब ने लिखा था एक कॉलम भी, और एक वो इस तरह के सर्वेज भी आए हैं कि ऑनलाइन रीडिंग ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी जो बात है ना जो ज्यादा देखने वाली है वो ये कि अगर बुक रीडिंग कम हुई है, अंग्रेजी के जो नॉवल हैं पॉपुलर फिक्शन है वो सब वो अभी तो भी सब बिकता है, पढ़ते हैं लोग, पढ़ते भी हैं बच्चे, पढ़ते भी स्कूल्स के अच्छे स्कूल्स जो हैं उनके सिलेबस में भी शामिल है। उर्दू की जो किताब है उसकी रीडिंग और खास तौर पे जो लिटरेचर की किताब है उसकी रीडिंग कम हुई है। क्या वजह, इसकी क्या वजह? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि उर्दू से जुड़े हुए जो लोग थे, उर्दू लिटरेचर से खास तौर पे जुड़े हुए जो लोग थे, वो नस्ल आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म होती जा रही है। अब हमारे बुजुर्ग थे या हम लोग हैं तो हमारे बाद जो हमारे बच्चे हैं वो अंग्रेजी अदब की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है,
क्योंकि जाहिर है कि हमने उनको अंग्रेजी स्कूल्स में भेजा है, वो अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी कार्टून्स देखते हैं, तो वो उस तरफ उनका रुझान ज्यादा है। और वो जो नस्ल उर्दू लिटरेचर को पढ़ती थी वो कम हो गई। दूसरा ये कि उनमें से ज़्यादातर का अब जैसे जो जो छोटे इलाकों के स्कूल हैं या जो लोग बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते वो आम जगहों पे भेजते हैं, उनके घरों में अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो रिलीजन से मुतालिक होती है, मजहब से मुतालिक होती है। और वो उर्दू की किताबें बहुत आज भी बहुत बिकती हैं। मतलब मौत का मंजर किताब है तो वो अब भी हज़ारों की तादाद में छपती है और बिकती है और लोग पढ़ते हैं उसको, दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं। तो ये है कि ज़ाहिर है कि जो तबका हमारा माशी तौर पर उतना आसूदा नहीं है, वो मज़हब से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो उनके घरों में मज़हबी किताब में तफ़सीर हैं, कुरान पाक की तफ़सीर वो बहुत पढ़ी जाती हैं। लेकिन लिटरेचर की किताब, अच्छा ये पहले भी होता था, पहले भी मतलब हम कहते हैं कि बहुत पढ़ी जाती, तो पढ़ी जाती थी डेफिनेटली। तब ये ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं थी, उर्दू से हम जुड़े हुए थे, अपनी ज़बान से जुड़े हुए थे, अपनी इलाकाई ज़बानों से जुड़े हुए थे, तो उस वक्त कंपैरेटिवली ज्यादा तो था। लेकिन ये है कि लिटरेचर पढ़ने वाला हर शख्स तो नहीं होता ना। पॉपुलर लिटरेचर सभी पढ़ते हैं, लेकिन मतलब नसीम एजाजी को सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन जो मतलब बेदी को कितने लोगों ने पढ़ा होगा, या इसमें चुगताई को कितने लोगों ने पढ़ा होगा, इवन मंटो को कितने लोगों ने पढ़ा होगा। मंटो को तो डेफिनेटली, मुझे भी यहाँ आकर एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे मेरे बॉस ने कहा तुमने मंटो की कोई बुक पढ़ के आनी है तुमसे सुन ले, तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ। जाहिर है वो एक खास तरह के मिजाज के लोग होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर आफिया, अभी हम बात कर रहे थे मेडिकेशन के हवाले से, सेल्फ मेडिकेशन या ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, सेटिस्फेक्शन अभी आपने एक वर्ड यूज किया। कुछ तो लोगों को आदत होती है कि मतलब अगर उन्हें थोड़ी सी भी एंजाइटी या किसी तरह के सिम्टम्स फील होते हैं वो मेडिसिन का फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें अरमला देखें, बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जैसे आपके ओपियाइड्स हैं, आपके स्ट्रीट ड्रग्स हैं, आपके स्टिमुलेंट्स हैं, आपके मसल रिलैक्सेंट्स हैं, इनमें टेंडेंसी होती है कि अगर आप एक दफा यूज करें तो इसका ओवरडोज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये लोगों की जो कह लें कि एक इम्पल्स कंट्रोल, हम एक लफ्ज यूज करते हैं कि जिन लोगों में इतना इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता उनमें भी ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कि वो मेडिसिंस को यूज करें। उसमें एक ब्रेन की भी एक मैं बताना चाहूंगी कि जब आपको किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हमारा एक हार्मोन होता है डोपामीन, वो रिलीज होता है जिसकी वजह से आपके अंदर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आती है, एक खुशी की हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये फीलिंग आपको क्रेविंग देती है बार बार एक चीज़ को अब्यूज़ करने में। अब देखें बहुत सी ऐसे ड्रग्स हैं जो पेन किलर्स हैं, जब वो पेन रिलीफ होती है तो आपका डोपामिन भी रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। मैंने देखा कि बच्चों में स्पेशली टीनेज पॉपुलेशन में क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मीडिया को देखते हैं, कंप्यूटर्स का काम है उनमें जो है, उसकी वजह से और कुछ उनकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं कि उनके कई दफ़ा हेडेक होती है और वो फौरन हेडेक को दूर करने के बजाय वो फौरन एक पेन किलर खा लेते हैं। तो मतलब ये एक एज ग्रुप है जिसको हमें बहुत ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए कि ये क्यों इतनी ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं। हालांकि पेन किलर्स रिकमेंड नहीं की जाती, नहीं की जाती उसके। और ये कि आप पानी इंक्रीज करें, आप अपना वो स्टिमुलेशन अपनी खत्म करें जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं, या आप रात के टाइम, बच्चों में ये एक बहुत टेंडेंसी हो गई है कि मोबाइल्स की लाइट चल रही होती है, कमरे की लाइट्स ऑफ होती हैं, उससे बहुत ज्यादा जो है आपकी ब्रेन को जो है इफेक्ट होता है। तो वो आप मेडिसिन उसकी उसको इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए आप मेडिसिन लेते हैं और फिर आप लेते जाते हैं क्योंकि आपको फौरन रिलीफ मिल जाती है ना, विद इन 10-12 मिनट्स आपको रिलीफ मिल जाती है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि बहुत जरूरी है कि हम देखें कि क्या हमारे फैक्टर्स हैं और हमें किस चीज से जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक हो गया, क्योंकि बुक रीडिंग का टॉपिक नहायत वास्ट है और हम इस पे मजीद डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है मैं चाहूंगी डॉक्टर इरम से हम मैसेज लें। डॉक्टर इरम, हम डेफिनेटली इसको दोबारा से केटर करने वाले हैं क्योंकि ये मेरा खुद फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहें। छोटा सा मैसेज तो खैर क्या देना है, किताबें भरी पड़ी हैं इन चीजों से, लेकिन मैं सिर्फ एक बात मैडम की उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी कि जैसे अभी आपने कहा कि ड्रग अब्यूज है और ये सब कुछ है। अच्छा, किताब की अपनी अहमियत जो अलग से है कि एक जिंदा अलाइव चीज की तरह किताब आपके हाथ में होती है ना, आप उसके साथ रिलेट करते हैं। तो उन सब के अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है खासतौर पर टीनेजर्स के लिए, वो ये है कि अगर आप टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, जैसे उससे ड्रग अब्यूज का भी चांस बढ़ता है, उससे आपकी एंग्जाइटी का भी चांस बढ़ता है। यानी पहले आप किसी को खत लिखते थे तो आपको पता होता था महीने बाद जवाब आना है, अब आप इधर टेक्स्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और एंग्जाइटी में रहते हैं कि क्यों नहीं, फोन करते हैं तो क्यों नहीं उठाया। तो वो खैर वो एक वास्ट टॉपिक है, उस पर तो बात इंशाल्लाह होगी आइंदा कभी।
मैं ये कह रही थी कि ये जो किताब है ये आपकी इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करती है, अदर देन सोशल जो भी आपके हैं नॉलेज और ऑल दैट, ये आपकी इन चीज़ों को भी कंट्रोल करती है क्योंकि ये आपको इमेजिनेशन देती है. आप किताब पढ़ते हैं, आप उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं, इंस्टेड आप टीवी देख रहे होते हैं या किसी कोई और फिल्म देख रहे होते हैं तो आपकी इमेजिनेशन वहाँ काम नहीं कर रही, वो उनकी इमेजिनेशन है जो आपको अफेक्ट कर रही है. किताब पढ़ते हुए आप खुद को खुद उससे इमेजिनेशन लेके आते हैं और वो आपको बहुत रिलैक्स करती है और डोपामिन भी रिलीज होता है. थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नाउ हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी. कल मंडे है आज और पूरा हफ्ता आपका और हमारा साथ रहेगा. हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, हमारा पेज है फेसबुक का. और इन केस आज का शो मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.